आज 3 मार्च 2010 की मुरली, प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली का टाइटल है परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना, यही सच्ची होली मनाना है। तो इस मुरली में प्यारे बाप दादा ने होली का आध्यात्मिक रहस्य भी बताया है और साथ साथ एक बहुत सुंदर विधि भी बताई है कि कैसे हम कमजोरी को छोड़ना है। कहते हैं ना, कभी कभी ये कमजोरी संस्कार नहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी बाबा अच्छा युक्तियाँ बताए हैं। और स्वयं को कैसे सदा उमंग उत्साह से भर भर कर रखना, उसी का भी विधि बताई है। तो सुनते हैं आज प्यारे बाप दादा की मीठी मुरली। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन से आत्माएं हो, पूछ रहे हैं बाबा। होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन सा रंग में रंगा है? बाबा पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है, अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। आप परमात्मा सॉरी यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है, इसीलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहे। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा के संग में रहे, जो सबसे सहज और ऊंचे से ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से, जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे महान पवित्र पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गए। बाबा कह रहे कि हम अगर हम परमात्मा के साथ रहते हैं तो ऊंचे से ऊंचे बाप के समान हम भी पवित्र महान पूज्य आत्माएं बन गए। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? देखो, दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं कि परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना और दिल से कहा मेरा बाबा। तो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। तो बाबा सहज की सी बात कि बाबा ने कहा मेरे बच्चे और हमने कहा मेरा बाबा, तो रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव देवताओं देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। तो इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग। आप सभी फलक से कहते हो ना, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, परमधाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? तो आप क्या जवाब देंगे?
परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तखत ही अच्छा लगता है। परमात्मा को क्या अच्छा लगता है? हम पवित्र आत्माओं का दिल तखत, ऐसे है ना, आपके दिल में बाप रहता और आप बाप के दिल में रहते, जो रहता है वो हाथ उठता, रहते हैं तो सभी ने हाथ उठे, अच्छा बहुत अच्छा। अलग से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो। कोई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते, कंपनियन तो बना लिया है, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसी में अंतर पड़ जाता है। जैसे हम अंडरलाइन करें, बाबा कहा कि सबने तो कंपनियन बना लिया, लेकिन हर समय उस कंपनी का अनुभव करना, इसी में अंतर पड़ जाता है। इसी में बाप दादा देखते हैं कि नंबर बार फायदा उठाते, कारण क्या होता है आप सभी अच्छी तरह से तो जानते हो, बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि रूहरियान में सुनते भी है कि बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही तो ऐसे हैं, क्या यह आपके है जो कहते हो मेरे संस्कार, यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार है, मेरे नेचर है, यह राइट है? है राइट, जो समझते राइट है वो हाथ उठो। कोई ने हाथ नहीं उठाया, तो कहते फिर क्यों हो, गलती से कह देते हो क्या? बाबा पूछ रहे, जब मर्जीबा बन गए, आप सभी का सरनेम क्या है, पुराने जन्म का सरनेम है या बीके का सरनेम है, अपना सरनेम क्या लिखते हो, बीके या फलाना फलाना लिखते हो? जब मर्जीबा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए, यह पुराने तो पराया संस्कार हुए ना, मेरे तो नहीं हुए ना, तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना, होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते, तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे, मेरे संस्कार यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त कर। बाबा कहते जब हम कहते मेरे संस्कार यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त कर दे, जीवन भी तो एक डिक्शनरी है ना, तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार, तभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है कि बाप समान बनना, तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की है, गलती से भी मेरा तो नहीं कहना, मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है वह फायदा उठाते हैं, जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं निकलते। कितना गहरा बात बाबा ने कह रहे, कहते ना यह मेरा नेचर है मेरा संस्कार है, तो बाबा कहते जब पुराने संस्कार को मेरे मेरे कहते हो तो अपने अंदर बैठ जाता है, निकलते नहीं है। तो बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, जानते हो मानते भी हो, बाप दादा हर एक बच्चे की भ्रुकुटी में भ्रुकुटी के तखत नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हो, यही है ना, राज्य अधिकारी हो ना,
अधीन तो नहीं है ना, अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना, बाप दादा को भी खुश है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। बाबा कह रहे हैं सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए, सभी के पास विमान है ना। बाप दादा ने हर ब्राह्मणों को जन्म से ही मन के विमान की गिफ्ट दी, तो सभी के पास मन का विमान है। विमान में पेट्रोल ठीक है, पंखा ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो। ऐसे विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकते, अगर हिम्मत और उमंग उत्साह की दोनों पंख अर्थात यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। हिम्मत और उमंग उत्साह की पंख, स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। तो दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है कि आपके हिम्मत का 1 कदम और 1,000 कदम मदद बाप की। बाबा कह रहे हैं आगे, चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण क्या है? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। हो ना ही है बाप मेरा, मैं बाप की, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है ना, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाए। कैसे करूं क्या करूं नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो करते हो, सोचते हो करते तो हैं, होगा होना तो चाहिए, बाप तो मदद देगा। अभी बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वालों को मदद देने। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वालों को मदद दे। सिर्फ थोड़ा रूप, सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। क्या करते हैं? बाप के ऊपर हक रखते तो हो लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हैं ना, तो ना लगा लेते। निश्चय बुद्धि निश्चित विजयी हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्म से ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हो बाप दादा। जब रूह रिहान सुनते हैं, रूह रिहान बहुत हिम्मत की करते थे, प्लान भी बड़े वंडरफुल बनाते, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि हो करके नहीं करते, उसी में थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। अभी अभी यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वे संकल्प मिक्स करते। तो अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोरी संकल्प इमर्ज नहीं करो। बाबा बार बार अंडरलाइन कर रहे कि जरा भी कमजोरी संकल्प को इमर्ज भी नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, ये तो अनेक बार किया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं, और विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है।
बाबा हमें याद दिला, इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। बाबा ने दृढ़ता की चाबी दी और उसे लगाने की विधि भी बताई कि इस अधिकार की मैं कल्प कल्प की विजय रखता हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन करके दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी, विजयी आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले का माला है, नशा है ना, होगा नहीं होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चिंत है ही। तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं के ही नशा रखो कि विजय है ही, है या नहीं, है ही। बाबा करे ऐसे नहीं सोचो है या नहीं, विजय तो है ही, हुआ ही पड़ा है, यही नशा रखो, है और होंगे। तो ऐसे होली होना, होली तो हो ही, तो ज्ञान की गुलाल की होली बाप दादा से खेल। अभी और क्या खेलेंगे, बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजोरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है, यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा, बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज है, कभी कभी मर्ज हो जाए और कभी इमर्ज हो, मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव। वो तो कभी कभी उत्सव इसीलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचे गाए खाए तो चेंज हो जाए, दुनिया वालों की बात बाबा कहे। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकेंड नाचना और गाना है ही, आप सदा मन में खुशी से नाचते रहो ना, रहते हो ना कि नहीं रहते हो, नाचते हैं, नाचना आता है खुशी में, पूछ रहे बाबा, नाचना आता है, जिसको आता है वो हाथ उठाओ, नाचना आता है, आता है तो मुबारक। तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी, तो बाप दादा ने इस बरस का होमवर्क दिया था, दो शब्द कभी नहीं सोचना, क्या था, समटाइम और समथिंग। वह क्या है कि अभी भी समटाइम है, बाबा पूछे वह किया है, बाबा ने जो होमवर्क दिए थे वह किया है कि अभी भी समटाइम है, समटाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं, चाहे लेट रहो चाहे, बाबा कहते चाहे लेटे रहो चाहे काम करो चाहे पैदल करो चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते, और बाप के प्राप्तियों का गीत भी कर। बाबा कह रहे चाहे कुछ भी करो, लेटे रहो काम करो पैदल चलो या बैठो, क्या करना है, खुशी का डांस करना है और बाबा के प्राप्तियों की गीत गाना। गीत भी आता है ना, यह गीत तो सभी को आता है, मुख का गीत तो किसी को आता है किसी को नहीं आता, लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वो तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव ही उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है, यही दो काम है, नाचो और गाओ, तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो, एंजॉय करो ना, नाचो गाओ बस। अच्छा होली तो मना ली है, अभी रंग की होली भी मनाएंगे क्या, अच्छा आपको ही तो भक्त कपी करेंगे ना, आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए,
जो भी साधन है उसी से होली की मुबारक भेटी। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं ना, तभी पहुंच जाता है, लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुणा, दिल की याद प्यार रिटर्न, हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे। जब संदेशी जाती है ना, तो हर एक अपने अपने तरफ की याद देते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी हो ना बाप दादा के पास, वो भी पहुंच गए। यही तो परमात्मा प्यार की विशेषता है। यह एक-एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े-बड़े शहरों में। गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। अच्छा, सभी ने दादी की याद भी बहुत दी है, क्योंकि दादी प्रकाश मणि जी हॉस्पिटल, सभी का एक ही संकल्प है कि दादी जल्दी से जल्दी अपने मधुबन में पहुंच जाए। बाप दादा भी तो ये चाहते हैं, दादी बोलती नहीं है, लेकिन दिल में संकल्प द्वारा मधुबन की याद, ब्राह्मणों की याद, अपनी बेहद सेवा के जिम्मेवारी की याद रहते ही। अभी प्यार से याद तो आप अभी प्यार से याद तो आप सभी बहुत करते हो ना। बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा से तो सभी का प्यार है, लेकिन दादी से भी कम नहीं है। प्यार की याद तो दादी तक पहुंचती, लेकिन अभी ऐसे शक्तिशाली जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फर्क तो होता है ना। तो आप सबने स्नेहा की दवाई तो भेजी है, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसे भेजो जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दे। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यह आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम कर दिखाएगी। वहां कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन का, क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, होना ही है। इस उमंग उत्साह का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली, सर्व ब्राह्मण चाहे कोई भी सेवाधारी हो, आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उन्हों का सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बल शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। सेवा दिल से कर रहे, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं, क्या होगा नहीं, अच्छा होना ही है। अच्छा, भी हम बाबा से याद कर लेते हैं। चारों ओर के लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को सदा हर दिन उत्साह में
रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। ओम शांति। आप बहुत अच्छे से मुरली पढ़े, थैंक यू भाई जी। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। शेरू भाई जी, आप मनसा सेवा का वीडियो शेयर करेंगे? जी दीदी, पूरी 9 बजे होगा, 9:01 पे। ओके, 3 मिनट बचा है, अब बाबा के याद में बैठेंगे।
चारों ओर इस विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर
बेबी। वचन करम वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं को वरदान सहज बाप का प्यारा बन जाता। वरदाता बाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप सुतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप
Thank you.
सभी हो दुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने पुराने संस्कार को जलाने के लिए क्या विधि बताई? सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है बेटी। ओके, थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, रावण ने कहा है कि अगर रावण की कोई पुरानी जायदाद है, पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई है ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाबा ने आगे बताया है कि बाप दादा ने देखा कि रूहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं। हाँ जी, तो हमारा सोच को बदलना है। बोलिए सिस्टर। बाबा ने कहा ना, इसको कैरी ऑन करते हैं कि ये मेरे संस्कार। बाबा ने कहा कब से आपके संस्कार हो गए ये? तो अपने मर्जी व जन्म को याद करो, तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार नहीं रहे। तो आपका सरनेम अब क्या देते हो आप? बीके देते हो ना,
तो जब बी के दे दिया तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन मर जीवा जीवन जन्म हो गया। तो ये बाबा ने कहा कि आपके ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में तो ये सब समाप्त हो जाता है, तो फिर मेरा शब्द क्यों यूज करते हो। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा संगम युग ही पूरा उमंग उत्साह का युग है, तो बाबा ने कहा नाचो गाओ खुशी से झूमो, बोझ क्यों उठाते हो, तो हमें खुशी में रहना है। हाँ जी, इसके लिए क्या विधि बताया बाबा ने सदा उमंग उत्साह रहने के लिए? खुशी का डांस करना है हमें। हाँ जी हाँ जी, इसमें दो गीत गाना है ना, कौन सा गीत? बहन जी पाना तो सुपा लिया। हाँ जी, बाप के प्राप्तियों का गीत और बाप के गुणों का गीत। हाँ जी बोलिए सिस्टर। शांति, बाबा ने सम टाइम और समथिंग के बारे में कुछ कहा, वो मुझे समझ में नहीं आया, कैन समवन एक्सप्लेन प्लीज। हाँ जी, कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? जिसको बाबा ने इसीलिए कहा है कि जो होमवर्क दिया था बाबा ने उससे पहले शिवरात्रि पे दिया होगा, इससे पहले जब आता है तो बाबा ने दिया था ना ही सोचना है किसके बारे में, समटाइम कभी कभी या समथिंग, कुछ हो गया कुछ नहीं हो गया, तो ऐसे बाबा ने में बोला है कि आप बच्चे कह देते हैं ना भी करते करते भूल जाते हैं थक गए, तो उसके लिए बाबा ने ये दो शब्द यूज किए कि थकना नहीं। हाँ जी उमंग उत्साह सदा रहना है ना, समटाइम्स और समथिंग, कुछ परिस्थिति आए तो ओडिला डाला हो जाती है, इसके लिए बाबा वो नहीं कहना भी बता रहे। हाँ जी बोलिए सिस्टर। हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि कई बच्चे क्या करते हैं कि बाबा को कंबाइंड रहते हुए भी उनकी कंपनी का लाभ नहीं उठा सकते हैं, तो बाबा ने बोला कि उसका जो रीजन है ना उसमें सबसे पहले तो अगर आपके मन में जैसे रावण की कोई भी पुरानी जायदाद, माना कि जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो अगर मन में रह जाते तो वो अपना इफेक्ट डालते हैं हमारे मन के ऊपर, जिससे कि हमारे आत्मा की शक्ति जो है वो कमजोर होने के कारण, जिससे कि मन में जो नेगेटिव थॉट्स जैसे वेस्ट थॉट्स हो गए और उदासी निराशा अशांति ये सब चीजें ना, ये सब बाबा, ये जो बाबा बोलते हैं कि ये सब रावण की जायदाद है, तो इस वजह से जब इन चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं हम आत्माएं हम बच्चे, तो इसलिए बाबा की कंपनी होते हुए बाबा हमें इशारा देता भी है, मान लो कोई परिस्थिति कोई कुछ भी है तो बाबा हमें उस समय टचिंग देता है, लेकिन जब हम उन अपने वेस्ट थॉट्स में इन्वॉल्व हैं तो उस चीज को हम जो है कैच नहीं कर पाते, तो इसीलिए बाबा ने बोला है कि अगर आपको इस चीज का है तो आप निरंतर अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो उसके लिए कोई ना कोई युक्ति बनाओ, माना कि जो जो बाबा ने युक्तियां है, चाहे उस समय उदासी अगर आ गई है तो बाबा के अच्छे गीत सुन सकते हैं हम, या फिर बाबा ने जो बताया हुआ है कि जो ड्रिल है या कुछ भी ऐसा, या और कुछ नहीं है तो बाबा की मुरली पकड़ ले, उसका मनन चिंतन में लग जाएंगे तो जो वेस्ट थॉट्स है वो चैनलाइज हो जाएंगे, तो जो पॉजिटिव थॉट्स आने से हमारी आत्मा की शक्ति मजबूत हो जाएगी और बाबा की कंपनी फिर वापस हम उसी जो है ट्रैक पे आ जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा, इसके लिए बाबा पहले बोला फर्स्ट हमें एक्सेप्ट करना है ये मेरा संस्कार नहीं है, ये रावण का है, मेरा संस्कार तो बाप का संस्कार है, फर्स्ट इसे पहले एक्सेप्ट करके बाद में उसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
हाँ जी बहुत अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? नहीं जी, शांति। बाबा ने बताया था कि अपनी चलन बहुत रोल और ऊंची रखनी है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, ईश्वर की औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, खाना है, कभी रोना नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, रोना नहीं है कभी। कौन रोता है? भेदभाव रोते हैं। हम बच्चे कौन है? सदवा हैं। कौन हम सब? सीता हैं, पार्वती हैं, वो हमारा साजन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी रोना नहीं है, फिर भी बहन जी कभी कभी रोना आ जाता है। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज बाबा, अगर कोई हमसे पूछे कि बाबा कहाँ रहता है तो हम क्या कहेंगे? परम धाम में। पर संगम पे तो बाबा हमारे दिल में रहता है, बाबा हमारा हमारे दिल तख्त पर रहता है। और हम भी यही सोचे कि हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली या गुड़गांव में रहते हैं या बाबा के दिल तख्त पे रहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जैसे सिस्टर ने अभी पूछा ना कि हमें रोना आ जाता है, बाबा ने तो बहुत कुछ बताया, तो उसके लिए जो मुझे जहां तक चिंतन चला है कि वो है कि यहाँ तो हम किसी के साथ हमारा लगाव है या झुकाव है या प्रभाव है, तो यहाँ फिर टकराव है। तो ये चीजें जब हमारे सामने आती है ना, तो उससे मन की जो स्थिति कमजोर होने से मन उदास होता है, और उस उदासी ही जो हमारे ऊपर जो अपना रिफ्लेक्शन करती है, इस वजह से रोना आता है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, और कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा सारे सम्मान दे दिए बाबा ने हमें, तख्त मशीन, भ्रिकुटी के तख्त मशीन। हाँ जी। तो कैसा भी कड़ा संस्कार हो, सो बाबा से हम कैसे मदद ले सकते, उसके लिए विधि क्या है? बहन जी, योग से कड़े संस्कार समाप्त होंगे। हाँ जी, ये भी एक विधि है। और एक इस मुरली में कौन सा विधि बताया, हमारे सोच को बदलने का विधि? बाबा को फॉलो करना है, बाप दादा को। हाँ जी, और वंदना सिस्टर कुछ कहना चाहते हैं? Okay. नहीं, वो गलती से हो गया था अनम्यूट। ओम शांति। ये कि मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ, विजय हुई ही पड़ी है। ऐसे नहीं सोचना कि विजय होगी या नहीं होगी, विजय हुई ही पड़ी है। हाँ जी, पाप बांधा हुआ है, ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले बनने से हम बाप से मदद ले सकते हैं। ऐसे नहीं सोचना कैसे करो, क्या करो, ये मेरा कड़ा संस्कार है, कैसे बदलो, ऐसे नहीं सोचना है। सदा यही सोचना है, हुआ ही पड़ा है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने प्लेन बुद्धि कहा है ना। बहन जी, सात फरिश्ते की कॉमेंट्री सुना है? सात फरिश्ते शॉर्ट में सुना दे। कोई सुना है? बोलिए सिस्टर।
हाँ बहन जी, सात फरिश्ते की कॉमेंट्री सुना है बहन जी? नहीं बहन जी। अच्छा ओके। और कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कीजिए। ओम शांति दीदी। आम संगम जो भी ब्राह्मण बच्चा हो तो सदा उमा मुसोय रहना है, खुशी में नाचना है, गाना है एवं खुशी बांटना है। ओम शांति। हाँ जी और निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता का चाबी लगाना है ना, कौन सा चाबी कोई बता सकते? मेरा बाबा। हाँ जी ये भी है। और अनु सिस्टर ने भी शेयर किया है चैट विंडो पर, तीव्र पुरुषार्थ की चाबी। इस मुरली में बाबा अनेक बार हम विजयी है, विजय अनेक कल्प का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाना है। Okay, अभी समय भी हो रहा है, अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। आज बाबा ने पुराने संस्कार को जलाने के लिए कुछ विधि बताई है ना, उस विधि को फॉलो करेंगे, हमारे सोच को बदलेंगे। पहला वो मेरा पुराना संस्कार ये है ना, इस सोच को अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से हम समाप्त करेंगे। सो बाप का संस्कार ही मेरा संस्कार, इस सोच को हम लाएंगे। और सदा हम हिम्मत रखेंगे और सदा हम यही सोचेंगे कि हुआ ही पड़ा है, बाप बांधा हुआ है, ऐसा दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले पन बाप से हम सदा मदद लेंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योति ब्रिकुटी के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं आत्मा परम पवित्र हूं। मुझ आत्मा से श्वेत रंग की अनगिनत पवित्रता के किरणें निकलकर निरंतर चारों ओर दूर दूर तक प्रवाहित हो रही है। मेरा स्थूल शरीर गुम हो गई, मैं आत्मा परंधाम की ओर जा रही हूं। सूर्य चांद से भी दूर मेरी निजी धाम है। मैं आत्मा
परंधाम पहुंची। मैं पवित्रता के सूर्य बाप को निहार रही हूं। निहारते निहारते बाबा से कंबाइंड हो गई। मैं और मेरा बाबा मुझ आत्मा को परमात्मा का संग का रंग लग गया। जिससे मैं आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह अविनाशी संग का रंग कितना प्यारा है। परमात्मा का संग के रंग में रहने से मैं आत्मा ऊंचते ऊंचा पवित्र महान आत्मा पूज्य आत्मा बन गई। पाप ने मुझ आत्मा को ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया। शक्तियों का रंग लगाया। जिस रंग से मैं सतयुग का देवता बन गई। पवित्रता के संग के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार लोक में इस साकार शरीर को धारण किया। ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स। गुड नाइट।